आई बिलीव बहुत ही मार्वलस असर करता है, बिकॉज यू नो इट्स एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट को हम रिवील करने वाले हैं यहाँ पे, राइट, सो उसका जो सीक्रेट है, यू नो सीक्रेट बिहाइंड योर ग्लोइंग स्किन इज द परफेक्ट प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू यू नो डिस्कस नाउ. एंड सरप्राइजिंग स्किन के डूज एंड डोंट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, बिकॉज यू नो अगर हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले उनके हमें क्या क्या उनके बेनिफिट्स के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा बातें कर ले कि हम किस तरह से अपने स्किन का बहुत ही अच्छे से केयर करेंगे, क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना है, जिसके वजह से हम अपने यू नो स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सके. सो बिफोर दैट, कि यहाँ पे चैट बॉक्स में हमारे ये जो फेसबुक लाइव है तो इसका लिंक भी शेयर कर दिया गया है, आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ से भी. और यहाँ पे डूज एंड डोंट्स अगर हम लोग देखें, सबसे पहला है डू नॉट एवर ट्राई टू फॉरगेट सनस्क्रीन. कभी भी हमने सनस्क्रीन लगाना भूलना ही नहीं है, गलती से भी नहीं भूलना है. गलती से भी इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि अगर हमें शुरू शुरू में यू नो जब हम यू नो कभी कभी बहुत बिजी लाइफ होती है, या फिर यंगस्टर्स रहते हैं, या फिर जो भी, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें जरूरत क्या है सनस्क्रीन लगाने की, हम तो सनस्क्रीन बिना लगाए भी रह सकते हैं, हमारा स्किन तो ऐसे ही अभी अच्छा दिख रहा है. लेकिन हम लोग बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या सिचुएशंस आ सकते हैं. बहुत ज्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग सनस्क्रीन को यूज करें. डू नॉट एवर ट्राई टू फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन. डोंट में जो हमने नहीं करना है, फॉरगेट टू मॉइस्चराइज डेली. कभी भी हमने अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना नहीं भूलना है. जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते हैं, जैसे हम पानी पीना नहीं भूलते हैं, वैसे ही हमने अपने स्किन को भी मॉइस्चराइज करना, हाइड्रेट करना कभी भी नहीं भूलना है. बिकॉज हम इंटरनली अपनी बॉडी को खाना खिला रहे हैं, सप्लीमेंट इंटेक करवा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी चीजें जरूरत है हेल्दी रहने के लिए, लेकिन आउटर वे में भी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम यू नो बहुत टाइम यू नो ऐसे कुछ कुछ यू नो टिपिकल ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा सोसाइटी में हम सुनते हैं कि अगर हम बहुत अच्छे से हमारा हेल्थ रहेगा, हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, सारी चीजें रहेंगी, तो हमारा स्किन बहुत अच्छा रहेगा, राइट. तो ये कोटेशन हमें बहुत लोगों से बहुत बार सुनने को मिलती है, लेकिन हम खुद से यू नो प्रैक्टिकली अगर इमेजिन करें तो हम खुद से ये सोच सकते हैं ना कि हम जो खाना खाएंगे, सारी चीजें करेंगे, उससे हमारे फेस में, हमारी बॉडी में रहा अब जो डस्ट बैठा हुआ है, वो डस्ट कैसे चले जाएगा. अगर हमारे फेस में कोई प्रॉब्लम है, आउटर वे में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो खाना खाने से वो धुल तो नहीं जाएंगी मिट्टियां, वो हमें तो फिर कुछ यूज करना होगा उसको हटाने के लिए. सो यू नो ये सारी जो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कॉमन सी ये बातें हैं, कभी कभी ना हम लोग बहुत ज्यादा उसमें डीपर थिंक करने लग जाते हैं, सोचते हैं सिर्फ खाना खाएंगे तो ही हर चीजें अच्छी हो जाएंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम सिर्फ दिन भर चीजों को खाते रहेंगे और आउटर बॉडी पूरा खराब रहेगा एक्सटर्नल बेसिस पे, तो कभी भी वो अच्छा नहीं होने वाला है. इसकी गारंटीड हम दे सकते हैं कि वो फिर कभी अच्छा नहीं रहने वाला है. अगर सिर्फ स्किन का आउटर वे में बॉडी का ख्याल रखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, अच्छे से नहीं रहेंगे, डाइट अच्छा नहीं रहेगा, सप्लीमेंटेशन नहीं रहेंगे, तो भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. दोनों चीजें हमें बैलेंस करके चलनी है, जिसके वजह से हम काफी ज्यादा हेल्दी रह सके. गिव योर बॉडी सम लव. हम अपने बॉडी को जितना ज्यादा पैम्पर करेंगे, हमारा बॉडी उतना ही अच्छा रहेगा. डोंट नेग्लेक्ट, डेफिनेटली डोंट में देखेंगे नेग्लेक्ट योर नेक एंड डी कॉलेज हम लोग बोल सकते हैं, जिसके वजह से हमारा फेस, हमारा बॉडी, हमारा नेक जो है, कभी भी हमने नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम हमेशा अपने चेहरे को फोकस करते हैं कि हमारे चेहरे बहुत साफ रहेंगे, और हम लोग फिर उसके बाद छोड़ देते हैं. तो सिर्फ हमें फेस को क्लीन नहीं करना है, हमें अपने नेक को भी क्लीन करके रखने की जरूरत है. और यू नो
मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, एंड आई बिलीव ये बहुत लोगों की ऐसी मतलब थॉट होगी, जरूर होगी, कि सिर्फ चेहरा देखने से ही ऐसा रहता है कि वो पर्सन कितना ब्यूटीफुल है, वो जो लेडी है वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छी दिख रही है. सिर्फ चेहरा देखने से ही हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं, वो अगर हम ब्यूटीफुल है, राइट, अगर हम बहुत अच्छे से अपनी बॉडी का केयर कर रहे हैं, तो बॉडी का जब हम केयर कर रहे हैं तो सिर्फ फेस का ही केयर क्यों कर रहे हैं? हमने तो ओवरऑल अपनी बॉडी की केयर करने की जरूरत है. सो जिसके वजह से बहुत लोग पैरों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो फीट पे ज्यादा फोकस करते हैं. अब उनके लेग जितने क्लीन होंगे, फेस के साथ साथ उनका लेग जितना, उनका फीट जितने क्लीन होंगे, मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ, रियल में वो हाइजीन मेंटेन करते हैं, वो क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन करते हैं. नहीं तो सिर्फ फेस पे खाली करने से कुछ नहीं होता है. अपने आप को जितना ज्यादा हम हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. लोड अप ऑन एंटीऑक्सीडेंट हमें यूज करने की जरूरत है. डू नॉट ओवर एक्सफोलिएट. कभी कभी बहुत टाइम ऐसा शायद से सोच में आती होगी कि स्क्रब जो है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं तो उससे फेस काफी साफ हो जाता है, तो क्यों ना हम डेली डेली स्क्रब यूज करें. या फिर कुछ ना कुछ मार्केट में, अगर आपने नोटिस किया होगा, मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसे फेस वॉश आए हुए हैं या फिर ऐसा कुछ जिसमें स्क्रब भी ऐड है. और लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी हम बोल सकते हैं कि अगर आप डेली डेली स्क्रब करेंगे, स्क्रब हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस थ्राइस आप यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि स्क्रब में ग्रेनल्स होता है. डेली डेली स्क्रब करेंगे तो फेस तो फिर पूरा बर्न होने लग जाएगा. सो हमें बहुत ज्यादा ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना है. डूज में रिमूव मेकअप बिफोर बेड टाइम. बिफोर बेड टाइम हमने मेकअप जो है हमेशा रिमूव करके रखने की जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. स्किन ब्रीद नहीं करेगा. स्किम्प ऑन स्लीप डेफिनेटली. और दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट विच इज केवा डेली ब्यूटी किट. ये जो डेली ब्यूटी किट है हमारा, ये हमें हमारा सारा सोल्यूशन है. सारा सोल्यूशन यहाँ पे हमने फेस के साथ साथ बॉडी के भी बारे में यहाँ पे डिस्कशन की है, क्योंकि फेस इक्वली जितनी क्लीन है, बॉडी भी उतना ही इक्वली क्लीन रहेगा, तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, राइट. सो ये जो हमारा डेली ब्यूटी किट है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है. कॉन्फिडेंस हमारा जितना रहेगा, ओवरली हमारा जितना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना ही हम लोग बहुत अच्छे से सक्सेस जो है उसके लाइन में बहुत अच्छे से चलेंगे. ये कॉन्फिडेंस हमें तभी आती है जब हमें लगता है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. जिसका जो भी स्किन का कलर है, मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, बिकॉज वी आर एशियन, हम लोग एशियन कंट्रीज में रहते हैं, राइट, वी आर इंडियंस बेसिकली. सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स के लोग दिख सकते हैं. किसी का बहुत ज्यादा फेयर होंगे, किसी का कलर जो है व्हीटिश कलर जैसा, लाइक मी, तो गेहुआ कलर जिसको बोलते हैं. और ज्यादातर जो हम इंडियंस रहते हैं, हमारा स्किन का कलर ज्यादातर इसी टाइप का रहता है, व्हीटिश गेहुआ कलर. थोड़ा सा हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पे फेयर भी है, व्हीटिश कलर के भी लोग हैं, थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं. तो डेफिनेटली ये जो हमारा, क्योंकि इक्वेटर जितना पास रहेगा, हमारी कंट्री हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को भी, तो इक्वेटर जो है हमारा कंट्री जो है जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. सो किसी वजह से थोड़ा सा डार्क स्किन हम लोग बोल सकते हैं. इक्वेटर के पास जितना कंट्रीज है, उन लोगों के वहां पे आपने नोटिस किया होगा, उन लोगों के स्किन थोड़े थोड़े करके डार्कर रहते हैं, हल्के से डार्कर रहते हैं. और जो कंट्री इक्वेटर से थोड़ी दूर रहती है, उन लोगों का स्किन बहुत फेयर होता है, एकदम व्हाइट रहता है, राइट, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाती है. ये भी हो सकता है एक कारण है, राइट. सो जिसके वजह से यहाँ पे मैंने इसीलिए इक्वली यहाँ पे कोट किया था कि जिसकी जो भी स्किन की कलर है, वो स्किन के कलर को मेंटेन करेगा, और इनके साथ साथ ये हमारी स्किन के शेड को 1 से 2 शेड लाइट करने का काम करते हैं, जिसके वजह से हमें लगता है कि हम फेयर हो गए हैं, हमारे स्किन को क्लीन रखने का काम करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर करने का काम करते हैं, स्किन में हमारा कोई भी प्रॉब्लम्स, दाग धब्बे, सारी चीजें ना हो, परफेक्शन बनाए रखने का काम करते हैं. सो ये जो हमारा डेली ब्यूटी किट है, ये कंटेन करते हैं 4 चीजें, जैसे कि इसमें फेस क्लेंजिंग लोशन है,
शैम्पू प्लस बॉडी वॉश है, फेस सेरम है 30 ml, सनस्क्रीन है इसमें 50 ml का हम लोग बोल सकते हैं, और इनके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा फेस क्लेंजर जो है इसमें एनरिच किया हुआ है, विटामिन सी से भरपूर मात्रा में इसको बनाए गए हैं, डेली स्किन केयर के लिए है, ऑल टाइप स्किन के लिए है, और इनके साथ साथ इजिली अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पीएच बैलेंस को भी स्किन का मेंटेन करते हैं, जो कि 4.5 5.5 जो है ये परफेक्ट पीएच बैलेंस रहती है, सो ये उनको मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, हमारा जो स्किन रहता है वो पेपर लाइक थिन रहता है, बहुत बेबी सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं हमारा स्किन भी थोड़ा सा हार्ड होने लग जाता है, जिस वजह से हमारे स्किन को हम उस वजह से हमारे स्किन को ज्यादा नीड रहती है पैम्पर होने की। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अब क्लेंजर यूज करेंगे, क्योंकि क्लेंजर जो है ये डीपर पोर्स तक जाके जितने गंदगी डस्ट डर्ट बैठे रहते हैं, एक्सेस ऑयल जो रहता है ये उसको क्लीन करने का काम करते हैं। इनके साथ साथ सनबर्न स्किन जो रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई सनबर्न स्किन रहते हैं, ये उनको भी क्लीन करने का काम करते हैं, जिस तरह से हम फेस वॉश करते हैं बस हमें उसी तरह से ही इसको करने की जरूरत है। और मैंने इसलिए बोला कि काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट ये हमें प्रोवाइड करता है, और मैंने ये भी बोला था कि बिकॉज ऑफ यू नो एक्सपीरियंस, सो दिस इज द एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। सो ये जो डेली ब्यूटी किट है एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसा हम यू नो यहाँ पे देख रहे हैं, और इनके साथ साथ ये जो क्लेंजर जो है हमारे पास, जो फेस क्लेंजर है, अगर हम यहाँ पे देखें इजिली बोल सकते हैं हम यहाँ पे, सो ये दिस इज बेसिकली द लोशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो लोशन है, सो इजिली अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे सन बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें यू नो क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज है, जो कि हमारे स्किन को बहुत स्मूथ बहुत सॉफ्ट रखने का काम करती है, और एक बहुत स्वीट सा स्मेल भी प्रोवाइड करती है फ्लोरल जो रहते हैं। नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो रहेगा हमारा शैम्पू प्लस बॉडी वॉश, और ये जो है एनरिच किए हुए हैं लैवेंडर ऑयल, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी से, जो कि ऑल टाइप स्किन एंड हेयर के लिए है। इससे आप शैम्पू भी कर सकते हैं और इससे आप अपने पूरे बॉडी को वॉश भी कर सकते हैं। ये क्योंकि ये जो किट है, ये किट का हीरो इंग्रेडिएंट जो है ये विटामिन सी है, इसमें विटामिन सी भारी मात्रा में पाई गई है, जिसके वजह से विटामिन सी, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट जो है पूरे बॉडी को, इनफैक्ट हेयर को ये क्लीन करने का काम करते हैं, और ये ऐड करते हैं मॉइस्चर टू बॉडी एंड हेयर में, मॉइस्चर जो है ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है ये हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग डैंड्रफ एंड प्रोवाइड क्लियर स्किन, ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी, चाहे जिनके ऑयली डैंड्रफ हो चाहे जिनका ड्राई हो, डजंट मैटर, ये बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करते हैं। एंड 200 ml का है, काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी है इनकी, इनफैक्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, राइट, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट, ये काफी ज्यादा इनकी क्वांटिटी जो है ये काफी ज्यादा लार्ज भी है, और इसके साथ साथ हम बहुत ही अच्छे से यू नो पूरा शैम्पू प्लस बॉडी वॉश का काम करती है, और इजिली अगर हम लोग यहाँ पे बोले इसका कोई भी कलर नहीं होता है, राइट, ये पूरा ट्रांसपेरेंट कलर का रहता है, ऐसा नहीं है कि व्हाइट कलर का निकलेगा, जो भी है पूरा ट्रांसपेरेंट जेल टाइप में ये निकलता है, जिसके वजह से इसको यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी रहता है, और यहाँ पे व्हाइट नहीं रहेगा, बहुत थिक नहीं रहेगा, क्रीमी नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल भी ग्रीसीनेस आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी, इनफैक्ट और ज्यादा क्लियर बॉडी हमें प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट पूरा बॉडी जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने फेस का बहुत केयर करते हैं, अपनी बॉडी का अच्छे से केयर नहीं करते हैं, तो ये हमारी कंपनी ने उन सारे क्वेरीज को, उन सारी चीजों को समझते हुए इस किट को लॉन्च किया है, इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसके वजह से, क्योंकि हमारा बॉडी का 16% वेट हमारे स्किन का होता है, तो फेस के स्किन के साथ साथ बॉडी का भी स्किन हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अगर क्लीन नहीं होगा स्किन इन्फेक्शन होने के, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, इनफैक्ट जो हमारे लेग होते हैं
इजिली अगर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लेग सबसे ज्यादा डर्ट में रहते हैं, राइट? तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं इनफैक्ट, तो जिसके वजह से हमारे लेग जो है अगर हम लोग प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पे भी काफी ज्यादा स्किन टाइट होने लग जाते हैं, ड्राइनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है, डार्कर काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। सो हम बहुत ही अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ इसको जो यूज करने का तरीका है, जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं उस तरह से करना है, हल्का सा बालों को थोड़ा सा वेट करके हल्का ल्यूकवार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से, कभी भी अपने बालों को एकदम गर्म पानी से, एकदम ठंडे पानी से भी नहीं धोना है, नॉर्मल अगर अच्छा रहे तो हल्का ल्यूकवार्म लेके करेंगे, क्योंकि पोर्स उससे ओपन हो जाते हैं। उस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आप बॉडी वॉश यूज करते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। जिसमें एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं, बॉडी वॉश अगर हमारा रहेगा तो ये हाइजीन मेंटेन भी होगा, क्योंकि दूसरे दूसरे ऑल्दो हमारी फैमिली में बहुत लोग होंगे, राइट, लेकिन सबके स्किन एक जैसे नहीं होते हैं, सबका स्किन अलग तरीके से वर्क करता है। इसी वजह से तो अगर किसी के स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ पिंपल होने के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि फैमिली में एक मेंबर को अगर पिंपल हो रहा है, कुछ इंफेक्शन हो रहा है स्किन के, तो जिसके वजह से पूरी फैमिली को हो जाए, क्योंकि सबका स्किन डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है। सो दैट इज व्हाई ये हाइजीन काफी ज्यादा मेंटेन करेगा। जस्ट एक लूफा यूज कर सकते हैं, पर्सनल वेट करके आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हैं लूफा यूज करना, बॉडी वेट करने के बाद थोड़ा सा हैंड में लेके इमल्सीफाई करना है और पूरे बॉडी में अच्छे से आप लोग लगा सकते हैं। लूफा मैंने इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि लूफा थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प करेगा, जिसके वजह से ये हमें काफी ज्यादा हमारा स्किन जो है उसको क्लियर कर सके, पूरा डस्ट निकलने के लिए। इनके साथ साथ हमने यहाँ पे थर्ड जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे वो है हमारा फेस सेरम, जो कि एनरिच्ड है विटामिन सी से, ऑलिव ऑयल से, और इनके साथ साथ ये हमारे ऑल टाइप स्किन के लिए है। सेरम इज द परफेक्ट प्रोडक्ट, इसलिए परफेक्ट प्रोडक्ट है हमारे स्किन केयर के लिए, क्योंकि सेरम अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग एक बोलते ना प्रीमियम हम लोग बोल सकते हैं, हम अपने स्किन का बहुत प्रीमियम रेंज में अच्छे से केयर करते हैं, जिसके वजह से ये हमारे स्किन को रीप्रोग्राम करने का काम करती है, आगे चल के बहुत ज्यादा फाइन लाइन्स रिंकल्स ना आए ये प्रोटेक्ट करते हैं, जो हो चुका है ये उसको धीरे धीरे करके ये रिड्यूस करते हैं, वैनिश करने का काम करते हैं, कम करते हैं, और इनके साथ साथ ये हमारे स्किन को काफी ज्यादा हेल्दी ग्लोई बनाए रखने का भी काम करते हैं। अगर हम बेनिफिट्स के बारे में देखें, इजिली हमने यहाँ पे लैवेंडर के भी बारे में बात की थी, विटामिन सी के बारे में हमने यहाँ पे बातें की थी। सो विटामिन सी हमारे स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है, वाटर लॉस के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं तो ये उनको मिनिमाइज करती है, ये हेल्प करते हैं, रिटेन करते हैं मॉइस्चर इन द स्किन, हमारे स्किन में मॉइस्चर रिटेन करने का काम करते हैं, मॉइस्चर कम होने लग जाते हैं तो, इवन स्किन बनाए रखने का काम करते हैं। पूरे चेहरे के कलर एक जैसे नहीं है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है, पूरा चेहरा का कलर एक जैसा नहीं है, ज्यादा धूप में रहने की वजह से या फिर ज्यादा हीट में रहने की वजह से या फिर अपने स्किन का केयर नहीं करने की वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो ये मिनिमाइज करते हैं रेडनेस को, रिड्यूस करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को भी, जिसके वजह से हमारा स्किन अच्छा नहीं दिखता है, अनइवन दिखता है। इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है जो कि हमें एजिंग से भी फाइट करते हैं, ये बूस्ट करते हैं कोलाजन के प्रोडक्शन को, फाइट करते हैं फ्री रेडिकल से भी। यहाँ पे ये पेज रखने का मेरा एक और यहाँ पे मेन मोटिव था, एडिशनल पेज, जो कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा हम सबके लिए आई बिलीव, क्योंकि हमारा ये जो सेरम है इसमें बहुत अच्छे से हैल्यूरोनिक एसिड भी डाला गया है, एंड ये जो हैल्यूरोनिक एसिड है ये वन ऑफ द मार्वलस इंग्रेडिएंट हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आप लोग इजिली यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं वेटलेस मॉइस्चर, ये हमारे स्किन को भारीपन ना लगे, बहुत वेटलेस मॉइस्चर का एकदम हल्का लगे, बहुत रिफ्रेशिंग सा लगे, उनका काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है, रिवाइटलाइज करते हैं स्किन के आउटर लेयर को, सूथ करते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को, ये
हटाने का काम करते हैं, सूदिंग करते हैं उससे कम हो सके, हेल्प करते हैं, ड्रॉ करते हैं रिटेन मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर स्किन बहुत ड्राई होने लग गया है, सूखा सूखा होने लग गया है, ये हम लोग अगर बोले ये फैक्ट भी है, एज कंपेयर टू ऑयली स्किन, जिसका स्किन काफी ज्यादा ड्राई होता है उनको बहुत जल्दी एजिंग आती है। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वालों को एजिंग नहीं आती है, आती है लेकिन थोड़ा रह के आती है, क्योंकि उनके स्किन में बहुत ज्यादा यू नो मॉइस्चर लेवल जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन फिर बहुत ज्यादा भी रहेगा तो थोड़ा सा अदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, पिंपल दाग ये सारी चीजों के। और जिसका स्किन ड्राई है उन लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि वो बहुत ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, तो ईचिंग बहुत होगी, ईचिंग बहुत ज्यादा रहेगी और धीरे धीरे करके ड्राइनेस रहेगा तो एजिंग भी आने लग जाएगी। तो ये उनको ही मॉइस्चर लेवल को ये मेंटेन करता है ताकि एजिंग बहुत ज्यादा ना आए। मिनिमाइज करते हैं कोलेजन लेवल जो रहते हैं, बहुत ही अच्छे से मैक्सिमाइज करने का काम करते हैं। मैक्सिमाइज इसलिए करते हैं क्योंकि कोलेजन जो है हमारे स्किन को हेल्दी रखने का बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं हमारे स्किन के टेक्सचर को, इम्प्रूव करते हैं स्किन की इलास्टिसिटी को, जिसके वजह से हमारा एजिंग जो है बहुत अच्छे से ये कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए, मेंटेन हो सके और एजिंग जो है हम इनको बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सके। हमारा जो फेस का जो भी टेक्सचर है, जो शेप है, हमारा इलास्टिसिटी के वजह से वन ऑफ द रीजन है इलास्टिसिटी, कोलेजन हमारे अच्छे रहेंगे तो हमारा फेस एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर टेक्सचर में रहेगा, नहीं तो इलास्टिसिटी कम होने लग जाएगी तो एजिंग बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगी, फेस बहुत ज्यादा नीचे आने लग जाएंगे, सैगिंग होने लग जाएगी। सो दैट इज वाई इसमें हाल्यूरोनिक एसिड भी डाला गया है। और अगर हम मार्केट में सर्च करते हैं हाल्यूरोनिक वाला और विटमिन, जिसमें ऐसा हमारा पास सेरम रहे, फेस सेरम रहे जिसमें विटामिन सी भी हो और हैल्यूरोनिक एसिड भी हो, तो आई बिलीव आपको मार्केट में ये 6,000-7,000 का एक इतना छोटा सा प्रोडक्ट पड़ जाएगा। उसमें भी टाइम ड्यूरेशन रहता है, लिमिटेशन होता है कि आपको एक सर्टन टाइम में इसको लगा के खत्म कर देना है। सो हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि हमारे ये जो सेरम है, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 1 महीने में इसको लगा के एकदम खत्म कर देना है, उसके बाद ये इसकी एक्टिव एक्टिविटी जो रहेगी इसका कलर चेंज हो जाएगा, एक्टिविटी चेंज हो जाएगी इसकी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से यूज भी कर सकते हैं और इनके साथ साथ ये काफी ज्यादा कम रेट में भी रहते हैं। जैसा हम सबको पता है, एक प्रोडक्ट अगर 6,000-7,000 का रहेगा तो डेफिनेटली हर किसी के लिए फिर ये हो सकता है कि ना ले, ये चीजें हो सकती हैं, बट इसको हम इजिली ले सकते हैं, बहुत अच्छे से एफोर्ड कर सकते हैं। ये जो सेरम है इजिली अगर हम लोग बोले ये इस टाइप का दिखता है हम लोगों को, यू कैन सी जैसा फोटो में दिख रहा है, स्पेशली इनका ये जो नोज हम लोग बोल सकते हैं, ये जो नोजल है इसके कैप को जस्ट हमने यूज, जब हम लोग करेंगे इसके कैप को हमने इसको ओपन करना है, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो इसके कैप को हमने जिस तरह से ओपन कर देना है, इस तरह का इसका ये दिखेगा, ड्रॉपर रहेगा बेसिकली, जस्ट इस ड्रॉपर में लेना है और अपने फेस में 3 से 4 बूंदे जो है जितना रिक्वायर्ड है उतना करके बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और इनके साथ साथ इजिली इसको मसाज करना है, जिसकी वजह से उसके बाद डैप डैप करेंगे, हमारा स्किन बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस, बहुत ज्यादा ग्लोई लगेगा, शाइनी लगेगा और हेल्दी भी लगने का ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनके साथ अगर हम लोग देखें इसको यूज करने का तरीका, इसको दिन में 2 बार आप यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सुबह में और रात में, ऑफ कोर्स सोने से पहले तो करना ही करना है और बहुत अच्छे से यूज भी करना है, जिसके वजह से हमारे स्किन को जो हमारी नीड है कि हमारा स्किन अच्छा रहे, क्योंकि हम एमएलएम में है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में है तो कि हमारा जो लुक है, हमारा जो फेस है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, वो एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे फेस में ही बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे और हम लोग केयरलेस
प्रॉब्लम किसी के भी साथ आ सकते हैं, सिचुएशंस किसी को भी हो सकते हैं, पिंपल्स किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम है और हम उसको डील नहीं कर रहे हैं, उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वो और ज्यादा वर्स होते जाएगा, और ज्यादा खराब होते जाएगा। जब हमें पता है कि हमारे फेस में दाग हो रहे हैं, जब हमें पता है कि हमारे चेहरे में छाइयां हो रही हैं धीरे धीरे करके, और छाइयां बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग जाती हैं, सारी चीजें हैं, फिर भी हम केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा हमारी गलती है। तो हमने बहुत ही अच्छे से विटामिन सी जो है ये इसमें वूंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये मार्क्स को भी स्कार्स को भी बहुत फेड करने का बहुत अच्छे से काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो रहेगा हमारा केवा काइपो सनस्क्रीन लोशन। ये जो सनस्क्रीन लोशन है विटामिन सी मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, ऑल टाइप स्किन के लिए है, इनके साथ साथ यूवी ए रेज यूवी बी रेज से भी प्रिवेंट करता है ये हमें। यूवी ए रेज हमारे स्किन को कभी ऐसा भी होता है कि हमारे डीएनए भी डैमेज करने के कर सकते हैं हमारी स्किन में, सर्टेन टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं, इतना ज्यादा हार्मफुल होता है, जो कुछ कुछ रेज इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो स्किन कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं, जो पीक आवर्स रहते हैं सुबह के 9 से 10 बजे से लेके शाम के 3 से 4 बजे तक का जो धूप रहता है, वो जो पीक टाइम रहता है उस टाइम में काफी ज्यादा हमारा स्किन डैमेज होने का भी चांसेस होता है। यूवीबी इंस्टेंटली हमारे स्किन को काफी ज्यादा डार्क और डैमेज करने लग जाते हैं, तो ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं, टैनिंग ये सारी चीजें ना हो प्रिवेंट करते हैं हमारे स्किन को। इनके साथ साथ घर से निकलने से एटलीस्ट 15 मिनट, 15 से 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले हमने सनस्क्रीन को लगाना है। सनस्क्रीन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ इसको चेहरे पे ही लगाना है, जो भी एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है, फेस नेक हैंड लेग फीट एरियाज, जो भी एक्सपोज्ड बॉडी एरिया है आप लोग जरूर सनस्क्रीन लगाएंगे, क्योंकि उसके वजह से जो धूप हमारा स्किन को इतना ज्यादा डार्क कर दे रहा है, डैमेज करने लग जा रहा है, स्किन काले पड़ जा रहे हैं, तो ये उनसे प्रिवेंट करने का काम करेगा, और प्री मैच्योर एजिंग जो होने लग जाती है ये उनसे भी हमें प्रिवेंट करने का काम करते हैं। सो ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से यूज करेंगे। और अगर ऐसा रहता है क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा लाइफ अभी इतना बिजी हो गया है, स्केड्यूल इतने बिजी हो गए हैं कि हमें यूरोप का बाहर जाना पड़े, वो पता नहीं चलता है, अचानक से कॉल आ जाता है कि हमें इस लोकेशन पे जाना है, कभी कभी अर्जेंट काम भी आ जाते हैं। सो जिस वजह से सनस्क्रीन चाहे घर पे रहे, बाहर तो लगाना ही लगाना है, कम से कम 15 मिनट पहले लगाना है बाहर जाने से पहले, इनफैक्ट घर में रहने से भी सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लाइट में एक्सपोज होते हैं, लाइट काफी ज्यादा हमारे घर पे लाइट में रहेंगे, कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक बैठने से, अगर एसी बहुत ज्यादा देर तक चल रहा है तभी भी हमें सनस्क्रीन लगाने हैं, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं गैस के पास, गैस का भी हीट हमारे स्किन में लग रहा है तो भी हमें सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि वो हमारे स्किन को जो डैमेज कर रहे हैं ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करने का बहुत अच्छे से काम करते हैं। राइट, सो ये सारी चीजें, ये जो किट हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, आई बिलीव कि किसने प्राइस के बारे में पूछा था। राइट, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आज हमने यहाँ पे जो डिस्कशन की है विच इज डेली ब्यूटी किट, ये हमारा कॉम्बो इंट्रो पैक में भी आता है, इजिली इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर अ कॉम्बो इंट्रो पैक फॉर 2100 रुपीज, 2100 रुपए का हम ऑर्डर कर सकते हैं, एंड गेट टू पीसेस ऑफ केवा ब्यूटी केयर किट एंड 1 पीस ऑफ नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट, ये इनका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमें 2 पीस केवा ब्यूटी केयर किट मिल रहे हैं एंड 1 पीस हमें नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्कोफाइट, जो कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, इसको यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ अगर ये किट को हम लोग अवेल करते हैं, इसको हम परचेज करते हैं, तो 800 बीपी मिलेगा हमें, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, अच्छा खासा बीपी भी है इस प्रोडक्ट के ऊपर, विथ 400 इंट्रो पॉइंट। हूसोएवर विल बी द डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर, जो भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर है
उनके, तो उनको 400 इंट्रो पॉइंट मतलब 400 रुपए भी मिलेगा। एंड डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली जो 2100 रुपीज का ये जो हमारा किट है, हम लोग इजिली कॉम्बो इंट्रो किट जो हम लोग बोलेंगे, तो ये टोटल इसकी नेट वर्थ जो रहती है ये 5000 की होती है। तो मतलब 5000 के प्रोडक्ट हमें 2100 रुपए में, 2100 में मिल रहे हैं, मतलब हम 2900 रुपए का, 2900 रुपीज का हम फायदे में हैं। हम बहुत अच्छे से इसमें सेव कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें अब किस तरह से 5000 के पड़ रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा केवा डेली ब्यूटी किट जो है इसकी एक किट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि अगर हम ये कॉम्बो किट को अवेल करते हैं तो 2 पीसेस मिलेंगे केवा डेली ब्यूटी किट के। सो जिसके वजह से एक का अगर 2000 रुपए है तो 2 का 4000 रुपए हो जाएगा, और नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड जिस जो कि 1000 रुपीज का है तो ऑब्वियसली वो 5000 टोटल हो जाएंगे। सो जिस वजह से 5000 का प्रोडक्ट हमें 2100 में मिल रहा है, और हम बहुत ही अच्छे से इसमें बीपी भी जनरेट कर सकते हैं, और इनके साथ साथ जो भी इंट्रोड्यूसर है उनके लिए इंट्रो पॉइंट भी है, इंट्रो रुपीस भी है इसके अंदर। सो ये टॉप टू बॉटम तक मतलब ये फेस का भी ख्याल रख रहे हैं, इनके साथ साथ बॉडी का भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये हेयर एंड बॉडी वॉश भी इसमें पाए जाते हैं, जिसके वजह से हम बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये किट जो है ये इजिली हम बहुत अच्छे से रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट से अगर देखेंगे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग, पहले भी ट्रेंडिंग थी, अभी भी ट्रेंडिंग है, इनफैक्ट और ज्यादा अभी ट्रेंडी होती जा रही है कि ये जो विटामिन सी जो है काफी ज्यादा ट्रेंडी है, और इनके साथ साथ अपने स्किन के लिए काफी ज्यादा सब लोग कंसर्न है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इस वजह से ये जो किट है हमारा ये यूनिसेक्स रेंज का है, विच मीन्स इसको लेडीज जेंट्स हर कोई यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा, या फिर अगर कोई क्वेरी है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप लोग जरूर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इनके साथ साथ अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। ड्राई स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश रहेगा? श्रद्धांजलि मैम, अगर आप ये किट ले रहे हैं तो ये किट बहुत ही अच्छे से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमने क्लेंजर में देखा वहां पे लिखा था ड्राई सेंसिटिव और डैमेज जो स्किन हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तो ये क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ बाहर का मतलब इंडिविजुअल अगर आप देख रहे हैं तो आप एलोवेरा फेस वॉश ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे से असर करेगा। या फिर स्किन काफी ज्यादा डार्क और डैमेज होती जा रही है अभी, तो D10 फेस वॉश आप ले सकते हैं, या फिर चारकोल फेस वॉश, ये सारी चीजें हैं बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राजवीर सर, थैंक यू सो मच ममता मैम, लक्ष्मी मैम, आई बिलीव आपको इसका कॉस्ट पता चल गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो अगर किसी का कोई क्वेरी है तो आप लोग कर सकते हैं, एंड मैं ये क्वेश्चन भी जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी हमारा काफी पुराना प्रोडक्ट हो चुका है। आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत ही इजिली बोल सकते हैं। एंड लुक एट द पैकेजिंग, राइट, आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड लुक एट द पैकेजिंग जो हमारी कंपनी जो है, क्योंकि इसका बॉक्स मैंने हटा दिया है अभी, इसकी पैकेजिंग भी बहुत सेफ से इसको किया जाता है। ये जो पूरा ब्लैक है बहुत अच्छे से स्पॉन्जी है, जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके, बहुत अच्छे से डिलीवर कर सके। इसका पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और पैकेजिंग अच्छा होने के साथ साथ इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा इसका जो स्मेल है, जो अरोमा है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच अभिजीत सर। सो आई बिलीव कि हम सबके लिए ये जो हमारा सेशन है फ्रूटफुल रहेगा, और ये जो हमारा किट है, क्योंकि ये कॉम्बो इंट्रो पैक में भी आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको अवेल करेंगे, जिसके वजह से हम खुद भी बहुत अच्छे से हेल्दी रह सके, अपनी स्किन को हेल्दी रख सके। और क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है इसको हर कोई यूज कर सकते हैं, इसको टीनेजर भी यूज कर सकते हैं, और ऑल टाइप स्किन के लिए है, एडल्ट भी यूज कर सकते हैं, हर कोई इसको कर सकता है यूज, जिसके वजह से हम अपने स्किन को हेल्दी रख सके। क्योंकि आज का ये जो हमारे सेशन है फेसबुक लाइव है, तो इफ यू रियली लाइक द सेशन
आप शेयर कर सकते हैं आप अपने टीम मेंबर्स से भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने मिस कर दिया आज का सेशन को. सर तब तक के लिए स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच ऑल फॉर गिविंग अस अ प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच.